अबे चालू कर दिया क्या? नमस्कार, मैं जतिन एकाए झाटू आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने बेहद ही खास प्रोग्राम खाना खुजाना। खुद खाना बनाना सीखने के लिए मैंने लखनऊ में रहकर लगातार 6 महीने तक अपना टाइफाइड का इलाज करवाया। पहले किडनी में स्टोन आए और फिर हाथों में स्वाद। हॉस्टल में अगर आप पेट भर खाना नहीं खाएंगे तो सुबह टट्टी नहीं आएगी, सुबह टट्टी नहीं आएगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे और पढ़ नहीं पाएंगे तो फेल हो जाएंगे। फेल होकर बेरोजगार भूखे मरने से लाख गुना ज्यादा बेहतर है कि खाना बनाना सीख लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं खाना खुजाना। एक प्रोफेशनल शेफ बनने के लिए स्किल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका एप्रन। तो अपने एप्रन को अपने गले में बांध ले। ए झाटू, तूने मेरी बनियान देखी क्या? ए मुआरुआ, देखने का शूट चल रहा है इधर। मुझे भी लेना। चल, चल, चल। मुझे भी। फोन नहीं शूट हो रहा है यहाँ पर, मुझे भी। चल। रुकावट के लिए खेद चाहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि बचपन से ही मम्मियों का ये कहना रहा है कि किसी भी बर्तन का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छे से धो लेना चाहिए, पर हॉस्टल में पानी सुबह 6 से 7 आता है जो मैंने भरा नहीं है। तो आज पानी और पर्यावरण दोनों को एक साथ बचाने के लिए हम प्लास्टिक रैप का इस्तेमाल करेंगे। अपने दोनों हाथों से इस प्लास्टिक रैप को आराम से खोल लीजिए। गंदी थाली को सीधा इसके अंदर डालिए। देखिए कि ये गंदी थाली में चिपका हुआ फंगस आपके हाथ में ना लग जाए। फालतू में हाथ धोना पड़ेगा और पानी तो है नहीं। देखिए, एक हॉस्टल का खाना किसी होटल के खाने के मुकाबले थोड़ा अलग होता है। फॉर स्टार्टर्स या स्टार्टर्स नहीं होते, लेकिन आज हमारे 4-course meal में होंगे क्रंची नूडल्स, एके सूखे नूडल्स, क्योंकि पानी नहीं है। तो क्रंची नूडल्स एके सूखे नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले अपने रूममेट के कबर्ड से एक नूडल का पैकेट चुरा ले। इस खरीदे हुए नूडल्स को अपने प्लेसमेंट के ड्रीम्स की तरह क्रश कर ले, मतलब माँ ही चौथ देश की। फिर मसाला ले और उसे स्लेबस की तरह बिखेर दे। और हाँ, इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें नींबू मिर्ची डालना ना भूले, जो कि आपको मिल जाएगा किसी नजदीकी ऑटो रिक्शा वाले के पास। अबे झाटू, मैं नींबू मिर्ची लेके कहाँ भाग रहा हूँ? मिर्ची को ड्राफ्टर की मदद से काट ले। और अपना सारा स्ट्रेस नींबू पर निचोड़ दे। तो लीजिए, तैयार है आपके क्रंची नूडल्स, एके सूखे नूडल्स, क्योंकि पानी नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं मेन कोर्स की तरफ। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2 अंडे और 2 पाव, क्योंकि मेन कोर्स में हम बनाने वाले हैं फ्रेंच टोस्ट, एके भुर्जी पाव। पाव को टोस्ट करने के लिए उसे विंग के सबसे मोटे लैपटॉप के बीच में घुसेड़ दे। Pentium 2। अगर आप इस पाव को क्रंची बनाना चाहते हैं तो पहले से लैपटॉप में GTA 5 लगा कर रखें, और अगर आपको इसकी आंच बढ़ानी है तो आप ग्राफिक्स को फुल कर सकते हैं। अब पाव को इस वीडियो की तरह थोड़ी देर तक पकने दे, प्रिसाइज 2.5 मिनट के टाइमर के लिए, और मैं छोटी सी गोल जला सकते हैं। जब धुआं आपके भूख के साथ साथ लैपटॉप से भी आने लगे तो समझिए पाव तैयार। अब फ्रेंच टोस्ट के लिए हम बनाने वाले हैं सनी साइड अप एग, जिसके लिए एक पतीला ले और उसमें प्रेस को उल्टा रखकर प्रेस ऑन कर। इसके बाद कल रात के बचे हुए खाने के एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल आप कढ़ाई की तरह कर सकते हैं। अंडे को बहुत ही डेलिकेसी से तोड़ें। फिर से फटे, लेकिन विश्वास कीजिए फ्रेंच टोस्ट क्रैम्बल्ड एग के साथ ज्यादा अच्छा लगता है, मां कसम। जब इसमें हल्का हल्का लाल रंग और धुआं दिखाई देने लगे तो इसका मतलब है कि तार जल गई है। प्रेस बंद कर दे। अब बड़ी सावधानी से इस एल्युमिनियम फॉइल को पकड़े और प्लेट में उलट दे।
तो लीजिए, तैयार हो चुका है आपका फ्रेंच टोस्ट एकाएक भुर्जी पाव। राजस्थान का एड हो या फिर कोई कुजी, डेजर्ट के बिना पूरी नहीं, तो इसलिए अब हम बनाएंगे कैरमलाइज्ड बनाना विद शुगर जूस एकाएक मीठा केला। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक केला, जिसे आप अपने किसी भी स्पोर्ट्स कोटा वाले रूममेट से चुरा सकते। रहो बावड़ी पूछ, मारा केला किससे पूछ के लिया? अबे वीडियो बना रहा हूं यहां पर, तू केले की पड़ी हुई है? टिकटॉक बना रहा है के? चल यूट्यूब वीडियो वायरल होने वाली है ये, चल खुद ही बना ले फिर। तो इस डिश के लिए मैं मदद लूंगा अपने शू शेफ जाट की। पकड़ो इसको। राम राम। अब आप अपने जेब में पड़े हुए लाइटर और रूममेट के बैग में पड़े हुए डीओ से इस बनाना को रोस्ट कर दे। लेकिन ध्यान दे, ये स्टंट हमेशा एक प्रोफेशनल स्टूडेंट की देखरेख में किया जाना चाहिए। ओनली फॉर हॉस्टलर्स, नॉट फॉर होम, क्योंकि मम्मी ने देख लिया तो गांड तोड़ दी। तो चलिए अब करते हैं रोस्टिंग एकाएक भुनाई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाना कैरमलाइज हो चुका है। तो इसी के साथ मैं अपने दोस्त जाट का धन्यवाद बोलना चाहूंगा। तो चलो निकलो। कीप वॉचिंग झाटू वीडियोस, सब्सक्राइब टू झाटू। सही। तो चलिए आगे बढ़ते। अब इस रोस्टेड बनाना को कल रात मेस में मिले गुलाब जामुन की बची हुई चाशनी के साथ सर्व करें, डिप करें, ट्रिप करें। लेकिन इससे पहले इसकी मिठास जानने के लिए चीटियों का वेट कर। जब ब्राउन ब्राउन चीटियां इसके आसपास मंडराने लगे तो समझिए कि आपका कैरमलाइज्ड बनाना विद शुगर ज्यू एकाएक मीठा केला तैयार है। तो अब फोर्थ डिश में हम बनाने वाले हैं एक कॉकटेल। पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पानी नहीं है तो फिर रहने ही देते हैं। तो ये थी हॉस्टल की कुछ चंद रेसिपियां। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपियां देखकर अपने खाने और प्रिविलेज के ऊपर घमंड हो रहा होगा। भोसड़े वालों, तो मिलते हैं अगले सेमेस्टर खाना खुजाना में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और Amazon प्राइम वीडियो को सब्सक्राइब करो। बहुत से होती है बकैती और बहुत से होता है बेल आइकन, तो सोचो मत, दबा दो। टॉप क्लास बकैती guaranteed.